चक्री लगवा लेते हैं, आ गई है, कंप्लीट हो गया गियर बॉक्स वगैरह। देखिए आप, वो नया डलवा है तो चालू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो करीबन 3-4 किलोमीटर चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे और होगा लेट। चलो तो दोस्तों चलते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे था, मोटापा ज़्यादा बढ़ गया था नितिन भाई और मेरा, वजन उठ नहीं रहा था, थोड़ा दुबले हो लेते हैं। ये देखिए कितनी मवेशी, ये भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुकी है और हम लोग भी निकल चुके हैं। ये भोपाल रोड है तो हम मालीवाया चौराहे क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साउंड वगैरह चल रहा था, इस वजह से वहाँ का रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये हम लोगों का रेहटी रोड और इधर से जाता सामने जो भोपाल रोड, जिस साइड हम जा रहे हैं, लेकिन भोपाल रोड पर नहीं जाएंगे हम, कोलार वाले रोड पर जाएंगे घूमने। काफ़ी सुनसान, नो ट्रैफिक, नो मगजमारी। तो ये देखिए, ये झोलियापुर रोड है, वो देलावाड़ी रोड है। तो हम झोलियापुर कोलार डैम वाला रोड जा रहे हैं यहाँ से। तो ये रहा इधर कोलार डैम का रोड। तो दोस्तों अभी मालीवाया से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, पीछे चौराहे से, और हम हमारे यहाँ का सनराइज़ दिखाएंगे आपको। कुछ देर में निकलने वाला है माता जी की पहाड़ियों के पीछे से, माता जी के दर्शन करकर। तो दोस्तों देखिए, हल्की हल्की लालिमा आ गई है। ये माता जी मंदिर से थोड़ा दूर से ऊपर आने वाला है, फिर दिखाते हैं कुछ देर में जब पूर्ण आ जाएगा ऊपर। अब देखिए सूरज भगवान और ऊपर आ चुके हैं पहाड़ियों से निकलकर। काफ़ी सुंदर दृश्य सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम का। सुबह सुबह मंदिर में काफ़ी सुंदर भजन भी चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो सर्दियों के टाइम में तो वैसे घूम लेते हैं, मगर बारिश और गर्मियों में तो आराम। तो ये ट्रैक्टर वाला चला रहा है, देखिए आप, बड़ा सुंदर भजन है ये। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं कौसमी की नदी पे और उस समय स्टॉप दे चुके हैं और सूर्य नारायण भगवान और ऊपर आ चुके हैं, फुल सनराइज आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक छोटी सी घुमटी भी है, तो जाएगी जैसे कभी आए ज़्यादा सर्दी में तो वो ले सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो क्या काफ़ी मनोरंजन, आ हाँ, ओहो डॉगी भी एक्सरसाइज में, योगा ये। तो हम लोग रिटर्न हो चुके हैं, बस घर पर जाकर चाय माय पीकर निकलेंगे खेत में। आज देखते हैं क्या काम होता है, वैसे आज ग्रेडिंग का काम है, धान की ग्रेडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब घर से नहा धोकर निकलेंगे। तो किसान मित्रों, आज हमारी जो धान कटी थी करीबन 3-4 दिन पहले, और ये 11-21 वैरायटी धान हमने लगाई थी, और आज इसकी ग्रेडिंग होना है। तो पंखा आ चुका है, पंखा चल रहा है, पहले इधर ग्रेडिंग हो रही है। तो ये वाली धान जे भी 11-21 वैरायटी है, और ये पंखा आ चुका है, पंखा पे काम चल रहा है। तो खेत में 3-4 दिन से ये धान सूख रही थी, पहले सुखाना पड़ता है, उसके बाद ग्रेडिंग करना पड़ता है, फिर मंडी जाती है, तो ये ग्रेडिंग हो रही है। इस बार बारिश तेज होने के कारण थोड़ा सा जो धान का ऊपर वाला किल्ला रहता है वो पोंछ काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस बार ग्रेडिंग का। और ये ग्रेडिंग वाला माल है, ये ग्रेडिंग हो के इधर इकट्ठा कर रहे हैं, ये खाली हो जाएगा इधर और फिर उधर भी डालेंगे। तो अभी जगह कम होने, पाल पल्ली कम होने के कारण हम लोग इधर इसको डलवा रहे हैं। और ये सोनाली के ट्रैक्टर से चल रहा है पंखा। तो दोस्तों अभी मैं भर लेता हूँ पानी, क्योंकि लाइट जाने वाली है, तो पानी भरने आया हूँ इधर। तो ये रही ट्यूबवेल सामने, और ये टोटी को हम निकालेंगे इधर से, निकाल लिया है। और ये कुप्पी भर लेता, काफ़ी तेज प्रेशर, ये बात।
काफी ठंडा पानी। तो ये हमारे राहुल भाई हैं विश्वकर्मा जी, मैं भी विश्वकर्मा, ये भी विश्वकर्मा, और ये हमारी धान के हर साल ग्रेडिंग करते हैं। इस साल भी इन्हीं की मशीन आई हुई है, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, वो यही मशीन से हमारी ग्रेडिंग हुई थी। काफ़ी अच्छी मशीन है, थोड़ा सा स्लो काम है, लेकिन दाना एक एक निकालती है और ग्रेडिंग बहुत बढ़िया करती है। और ये पास के ही रहने वाले हैं, खेत के पास में ही गांव मोगरा है वहाँ के। तो दोस्तों, आज का ये ग्रेडिंग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सामने चक्री भी आ चुकी है, कंप्लीट हो गए। कल इसका गेयर बॉक्स टूट गया था मेरे ही खेत में, तो वो पूरा गेयर बॉक्स चेंज हो गया, अब कंप्लीट होगा आई है। अब चक्री भी चलेगी खेत के अंदर, तो दोस्तों देखते हैं फिर चक्री लगवा लेते हैं। आ गई है, कंप्लीट हो गया गेयर बॉक्स वगैरह। ये देखिए आप, वो नया डलवा है, ये पुराना रख के लाया है। अभी इसमें ऑयल डाल रहे हैं, जो गेयर बॉक्स नया डलवा के लाए हैं, वो फिर चलेगा काम। खेत के यहाँ से सनसेट का लुप्त, काफी सुंदर सनसेट। तो फिलहाल अब खेत में आ चुका हूँ मैं, इधर चक्री जो चलेगी, तो चक्री भी पहुँच चुकी है, वो देख सकते हो आप सामने, तो चक्री जा रही है। तो चक्री चलने के बाद ये पलाली पूरे खेत में फैल जाएगी, फिर इसको जैसा भी होगा उसको साफ करेंगे, फिर खेत बनाकर बोने की तैयारी। तो ये इतना खेत रह गया था और चक्री टूट गई थी, जो गियर बॉक्स होता है अभी डलवा के लाए हैं, तो दो दिन डिले हो गया हमारा काम। ये देखिए आप किस टाइप से चक्री काम करती है। तो चालू, बहुत दूर तक पीछे खतरा, मिट्टी भी आ सकती है, उछट कर लग भी सकती है चेहरे पर, पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती है इसमें, पत्थर वगैरह जो भी आता है बिल्कुल बंदूक की गोली से तेज आता है। करीबन 8:30 का टाइम हो चुका है और अभी ग्रेडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और 10-20 मिनट लगेगा, काफ़ी लेट हो चुके हैं। करीबन 3-3:30 बजे ये पंखा आया था ग्रेडिंग, उसके बाद में ग्रेडिंग का काम चालू हुआ और अब समापन की ओर।